हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज, ओके, सो हम यहाँ पे सी इक्विवेलेंट फाइंड आउट करने हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये वाला और ये वाले कैपेसिटी, ये जो 10 माइक्रो फैराडे, ये किसमें सीरीज में है, और सीरीज में हमें पता है सी इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, सी वन सी टू डिवाइड बाई सी वन प्लस सी टू, यही होते हैं, है ना। इस तरीके से लिखते हैं हम वन बाय सी इक्विवेलेंट इक्वल्स टू वन बाय सी वन प्लस में वन बाय सी टू, ऐसे ही होते हैं। तो देखो सी वन सी टू यहाँ पे क्या है, 10 माइक्रो फेराडे के, तो 10 माइक्रो फेराडे इंटू में 10 माइक्रो फेराडे डिवाइड बाय 10 प्लस 10 यानी कि 20, ठीक है, ये जाएगा 2 पे, ये आ जाएगा 5 माइक्रो फेराडे, ठीक है। एक तरह से इसका आ गया 5, ठीक है। अब ये इसका जो सी इक्विवेलेंट है 5 और 5, ये क्या होगा, पैरेलल में हो गया बेसिकली हमारा इक्विवेलेंट, मतलब हमारा अब जो नया डायग्राम हो गया इस तरीके से हो गया। इन दोनों का जो सी इक्विवेलेंट आया कितना है, 5 है, और एक और 5 यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरीके से हमारा ये डायग्राम हो गया। अब ये 5 और 5 क्या है, पैरेलल में है, तो सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, अब ये न्यू 5 प्लस 5 ये पैरेलल में है। अब पैरेलल में हम कैसे ऐड करते हैं, तो सी इक्विवेलेंट होता है सी वन प्लस सी टू, तो डायरेक्ट ऐड हो जाते हैं, ये 5 प्लस 5 हो जाएगा यानी कि आ जाएगा 10। तो उसका सी इक्विवेलेंट जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा, दैट वुड बी 10 माइक्रो फैराडे, जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट चॉइस। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।